हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम इस पैटर्न को स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, तो पूरी वीडियो में बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हमने कई सारा तोरण पट्टी का डिज़ाइन और क्रोशेट पैटर्न अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। आई होप आपको पसंद आए, तो आप जाकर ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चैन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, हमें 8 के मल्टीपल में चैन लेना है। आप इसकी लेंथ अपने हिसाब से लीजिएगा, बस इसे 8 के मल्टीपल में ही चैन लेना है। एट के मल्टीपल में चैन लेकर एक चैन एक्स्ट्रा लेकर 1 चैन एक्स्ट्रा, फिर नेक्स्ट चैन से सिंगल क्रोशेट, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चैन लेकर 1 8वें चैन से हमें सिंगल क्रोशेट से बंद कर देना है। फिर से 8 चैन लेकर 8वें चैन में सिंगल क्रोशेट से बंद कर देना है। सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। तो इस तरह से हमें फर्स्ट रो कंप्लीट कर लेना है। अब हमें 5 चैन लेना है। 5 चैन लेकर 5 ट्रिपल क्रोशेट बनाना है। फाइव ट्रिपल क्रोशेट बनाने के बाद 1 2 3 4 चैन लेकर 1 डबल क्रोशेट बनाना है। चौथे वाले चैन से 2 चैन लेना है। फिर से 1 चैन स्किप कर सेकेंड वाले चैन से डबल क्रोशेट बनाना है। अब हमें इसके अंदर से एक सिंगल क्रोशेट, 1 2 2 चैन लेने के बाद 4 डबल क्रोशेट बनाना है। और डबल क्रोशेट के बाद 2 चैन लेना है और 1 सिंगल क्रोशेट बनाना है।
फिर से नेक्स्ट वाले चैन से सिंगल क्रॉस स्टिच से बंद कर देना है। दो चैन लेना है और फोर डबल क्रॉस स्टिच बनाना है। सेम प्रोसेस को रिपीट कर लेना है। तो इस तरह से हमें कंप्लीट कर लेना है। अब हमें स्लिप स्टिच से बंद कर देना है इस फ्लावर्स के बैक पार्ट से। इस तरह से हमें धागा लेकर स्लिप स्टिच से बंद कर देना है। फिर से फोर चैन लेना है, 1 2 3 4 फोर चैन लेकर नेक्स्ट चैन से 5 ट्रिपल क्रॉस स्टिच बनाना है। फाइव ट्रिपल क्रोशेट के बाद एक और ट्रिपल क्रोशेट लास्ट से बना लेना है। अब हमें इस तरह से इस रो को कंप्लीट कर लेना है। देखते हैं नेक्स्ट रो। इस रो में हमें फिर से 8 चैन लेना है। 8 चैन लेकर 1 सिंगल क्रोशेट इस चैन के अंदर से, फिर से 8 चैन और नेक्स्ट चैन से यहाँ से सिंगल क्रोशेट से बंद कर देना है। फिर से 8 चैन लेकर सिंगल क्रोशेट से बंद कर देना है। तो इस तरह से हमारा ये रो भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट रो से हमें सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। अब हमें इस ट्रिपल क्रोशेट के ऊपर फ्लावर्स तैयार करना है। तो 4 चैन लेकर चौथे वाले चैन से डबल क्रोशेट बनाना है। डबल क्रोशेट बनाकर 2 चैन लेना है, फिर एक चैन स्किप कर एक और डबल क्रोशेट बनाना है। इसी के अंदर से हमें सिंगल क्रोशेट, फिर 2 चैन लेना है, फिर 4 डबल क्रोशेट जैसे हमने बनाया है, सेम प्रोसेस को हमें रिपीट करना है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से इस रो को भी हमें कंप्लीट कर लेना है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए इस रो को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं।
तो इस तरह से हमें कंप्लीट कर लेना है इस फ्लावर्स को भी पूरी तरह से कंप्लीट करके बना लेना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।